अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम से आसीवाल में शुल्फार कोठे स्टूडियो में हाजिर है नाजिर आपको जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक दरमियानी मुदत की स्ट्रेटी पेपर जारी की है कि आइंदा तीन सालों में जो अहदाफ हैं जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है इकानी की जिस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जा रहा है कि दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट की एक, एक उम्मीद की जा सकती है खासकर सऊदी अरब यूएई चाइना उसके तहत हम किस तरह चीज़ों को जो है बेहतर बनाएंगे इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे साथ साथ एक करंट एक रिपोर्ट आई है जो स्टेट बैंक की हालिया जो डेटा जो रिट्रीव किया है और अखबार में एक खबर छपी है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में काफ़ी कमी आई है ये।, ये भी एक हौसला अफजा है इकानोमी के लिए इसी पर आज गुफ्तू करने के लिए अपने मेहमानों को हमने दावत दी है उनका तारुफ करा था चलो दोस्तान जमलदनी साहब सीनियर बैरूक्रेट हैं और ब्यूटम यूनिवर्सिटी में आप कहें कि पाइनर टीम में शामिल थे मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर हुसैन बख्श हुसैन बख्श मक्सी साहब मेरे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर खालिद साहब खालिद खान साहब जो हैं वो भी दरतरी से वाबस्ता हैं और मक्सी साहब भी टेलीफोन लाइन पर होंगे डॉक्टर महमूद खालिद हमें ज्वाइन करेंगे पार्ट से हैं आप सबको खुश आमदी जमालदीनी साहब एक प्लान का जो जिक्र किया गवर्नमेंट सोच रही है पिछले साल भी उन्होंने कहा आज भी मौजूदा हुकूमत की कोशिश है किस तरह से हम चीजों को स्ट्रीम लाइन करें एफ बी आर है कस्टम है रेवेन्यू टारगेट है और ये तीन साल भी थोड़ा सा लगता तो वो है कि मुश्किल है और प्राइम मिनिस्टर खुद भी कहते हैं चैलेंजिंग है लेकिन अचीवेबल है नो डाउट नो डाउट और ये uh, अच्छी बात है कि ग्रेजुअली uh, आपने बात की वो तीन साल की रिपोर्ट की बात की ना जो मिड टर्म बजटरी फ्रेमवर्क है इसकी बात की uh, वैसे तो जो है ना नॉर्मली ना, डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर जो बजट मेकिंग का प्रोसेस है और जो शॉर्ट टर्म आ, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है फिजिकल पॉलिसी मेकिंग है वो बड़ा स्केची और शॉर्ट टर्म और इनस्टेबल रहती है और वैसे भी आ, एक बड़ी इकोनॉमी के लिए एक बड़ी कौम के लिए 24 करोड़ आबादी के लिए आ, और उसको अगर आप जो है ना सिर्फ उसमें साइज के टर्म्स में देखें तो बड़ी इकोनॉमी है पाकिस्तान की और बात है कि वीक इकोनॉमी है तो वन शुड ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस बिगनेस एंड वीकनेस और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो ना प्लान तरीके से बजटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और तौर पर पब्लिक फाइनेंसिंग के इश्यूज रहते हैं लेकिन चूंकि पाकिस्तान ग्रेजुअली जा रहा है उसी तरह से प्लान बजट की तरफ और एक कनेक्टिविटी बिटवीन फिजिकल पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इकनॉमिक पॉलिसीज के बीच में तो वो बेसिकली ये वो वो तीन साल का जो है ना रोल ओवर प्लान वाली बात है और देखा एक यह है कि गुज्तर दस साल से इसकी जो एक फील आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान ग्रेजुअली अपने आप को कनेक्ट कर रहा है बजट मेकिंग को विथ पॉलिसी मेकिंग के साथ ये दो ब्रॉडर चीज़ें हैं पहले एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था और वैसे भी जो ना डेवलपिंग कंट्रीज़ का ही एक बहुत बड़ा जो ना प्रॉब्लम रहता है कि पॉलिसीज एक चीज़ बनाते हैं और बजटिंग कुछ और करते हैं ठीक है तो ये इस हवाले से और जैसे जैसे हम जो है ना इन दोनों की इंटीग्रेशन करते रहेंगे हमारी इकोनॉमिक जो है ना बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएंगे होता है कि साल के शुरू में हम बजट कुछ और बनाते हैं और एंड पे जाकर जो है ना उसका आउटकम कुछ और आ जाता है तो वो डिफिकल्टीज़ पैदा करती हैं और उसकी वजह से एक पाकिस्तान एक बहुत ही गंभीर किस्म के विशेष सर्कल में फंस गया है और कभी कभी अचानक हमारे पास कहीं से कोई फिगर ऐसी आ जाती है बड़े खुश हो जाते हैं हम जैसे अभी आप कह रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना मिनिमाइज हो गया है लेकिन जब आप इसके अंदर डिटेल में जाएंगे वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि डेवलज इन डिटेल्स जब आप डिटेल में जाएंगे तो आप, आपकी खुशी खत्म हो जाएगी कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो छोटी हुई है ये कोई जो है ना हमने एक बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है ये हमने लेकिन इंडिकेशन है इंडिकेशन, हैं। इंडिकेशन, हैं, इंडिकेशन है लेकिन रॉन्ग इंडिकेशन है इट इज नॉट अ बेसिक इंडिकेशन अगर कोई इस पे दावा करता है कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी yeah. ग्रोथ कर रही है तो मैं नहीं समझता कि वो सही जो है ना परस्पेक्टिव में पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख रहे हैं आप जबरदस्ती से स्क्वीज कर दें अपने इंपोर्ट्स को ठीक है ना विदाउट ग्रोइंग योर इकोनॉमी वो तो एक नुकसान वाली बात है और ये ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिसिट कम हुआ है वो इसीलिए कम हुआ है कि आपने जबरदस्ती इंपोर्ट को जो ना रोके रखा है और आपने जब इंपोर्ट को रोके रखा तो पीछे आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन uh, है जो इंडस्ट्री का अपना एक टारगेट है उसका आउट out, आउटपुट uh, है वो तो सारा का सारा जी सब इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग कुछ ना कुछ आप मेजर वो एक सूरत में हो सकता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर जो है ना कम हो रहा है और आपका जो है ना जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो सही बात है लेकिन अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल ही मिनिमल है और अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहा तो करंट अकाउंट डेफिसिट को आप जीरो भी कर दें कोई फायदा नहीं है ठीक है ना और मैं यही आपको कह रहा हूं जब आप इसको डिटेल में जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि जो नॉन डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स हैं वो कम नहीं हुए कम वो चीजें हुई हैं जिससे जो ना इंडस्ट्री जो है ना रुक गई है मशीन मशीनरी का जो है ना इम्पोर्ट रुक गया है आपके कहीं पे कोई रॉ मटेरियल की जरूरत है कोई अनफिनिश्ड गुड है जिसको आना है पाकिस्तान की जो ना इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो रुका हुआ है हमने मुश्किल यहाँ पे ये आ जाती है और फिर दूसरी बात ये है कि आपके पास जो जो पोटेंशियल एरिया हैं एक्सपोर्ट के उसको हम टैप नहीं कर रहे और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दूंगा कि पिछले साल ये जो अभी पिछला सीजन गुजरा है इसमें आपके पास पाकिस्तान में एक बड़ा आ, एक प्रोडक्शन आया है और जो ना एक बड़े साइज का शुगर का शुगर कैन का लेकिन इसको एक्सपोर्ट के लिए अलाउ नहीं किया गया और जब एक्सपोर्ट के लिए अलाउ नहीं करते हैं तो पीछे जब इसको जरा खरीद कर देखें तो पुरानी एक अजीब किस्म की दस्तान कड़ी हुई है कि जो कि प्रमोट करती है शुगर के जो है ना स्मगलिंग को तो ये ये चीज़ें हैं लेकिन गवर्नमेंट के अपने तो उसने स्मगलिंग पे भी बहुत ज्यादा सख्त हाथ डाला है और जो खासकर हमारा शुगर जो है वो बुलुस्तान से जाता था इसका इसका, आसान अल लिए है उसको वजह कि आप इतने बड़े बॉर्डर्स को जो ना सील करें और वहां पे जो मिसमैनेजमेंट है जो कि कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है उसके बजाय आप एक लीगल तरीके से एक्सपोर्ट अलाउ कर दें तो फिर आपके पास इलीगल स्मगलिंग का क्वांटम कम हो जाएगा लेकिन जमा साहब इससे तो आप इतफाक करेंगे कि ओवरऑल ये तो एक कंपोनेंट है ना कि गयर गयर उसको करंट जो अकाउंट डेफिसिट है ये एक कंपोनेंट उसका लेकिन दूसरे गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट जो एफर्ट्स कर रही है बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से अभी कल भी शायद दूसरी मीटिंग उन्होंने अपने जो चाइनीज उसके विजिट के बाद की कि भाई क्या प्रोग्रेस क्या हुआ है बताएं जल्दी से बताएं इसमें बिल्कुल गैप नहीं आने चाहिए इस वक्त जो है ना आपको एक चीज में बताऊं जब दुनिया की जो है ना आ, 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 के ममालिक बायर कोलेब्रेशन को अपना इंक्रीज करते हैं चाहे वो जो है ना एफ डी आई के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं या खोए हुए जो है ना किसी इन्वेस्टर के इतमाद को बाल करने के लिए अब मैं जो जो चाइना है चाइना को मेरा अपना एक्सपीरियंस काफी रहा है ग्वादर के हवाले से ना, आप तो रहे चाइना का चाइना का, का जो एक्सपीरियंस है चाइना इस वक्त पाकिस्तान के लिए खोया हुआ पोटेंशियल इन्वेस्टर है जो बिल्कुल ही जो ना बैठ गया है अभी जो मायूस इन्वेस्टर रहे जो कि बड़े जो है ना एक शिद्दत के साथ 2013 के बाद जो है ना चाइनीज गवर्नमेंट ने और चाइनीज कंपनियों ने अपने लोगों को भेजा कि जाए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें लेकिन बाद में उनका जो अहतमान टूटा हुआ है उसको बहाल करने में पाकिस्तान को बड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिसेंट जो ठीक तक नहीं, नहीं हुआ। जब उसमें तो तो होगा जब होगा बत्तीस देखिए वो मीटिंग्स अपनी जगह पे है चाइनीज दे विल नेवर से नो टू पाकिस्तानी हम आपसे मीटिंग नहीं करेंगे और नंबर ऑफ मीटिंग्स को हम इक्वेट ना करेंगे इन्वेस्टमेंट आ रही है जिस दिन इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी तब की बात है डॉक्टर हुसैन साहब ठीक है ये तमाम चीजें अपनी जगह लेकिन एफर्ट्स जब तक आप करते रहेंगे और चीजों को वो करते हैं कि ठीक है एक दहशतगर्दी का एक वाक हुआ बशाम में और बाहर से जो एंटी वो जो पाक चाइना के जो रिलेशन्स के जो एंटीज हैं वो तो उन्होंने कहा कि बस क्या वो जाएंगे चले जाएंगे इस तरह चले जाए वो जाएंगे और पाकिस्तान को मायूसी होगी पाक प्राइम मिनिस्टर गए प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले वो मेजर्स भी उठाए वो डिटेक्ट भी कर लिया हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं कि कौन लोग शामिल थे अफगानिस्तान के को भी एक डेलीगेशन भेजा कि ये देखें ये आपके लोग हैं आप ताउन करें और इन तक मनत की अंजाम तक इसको पहुंचाएं तो एक वो कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उसको चाइना भी जो है देख ऐसा नहीं देखता है कि ये ड्यूल है वो भी सिंसियर एफर्ट को देखता है और उस तरह चीजें उस तरफ जा रही है देखिए चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में और वो चाहता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट हो और ये कंटिन्यू रहे ठीक है तो अब जब अब ओवरऑल हम इकॉनमी की बात करते हैं तो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिकल पॉलिसी आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सबसे ज्यादा आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है कंसिस्टेंसी पॉलिसी वो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर लेट सपोज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो एक uh, जो है मिड टर्म का प्लान डेवलप किया है फॉर द पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स मतलब इसमें भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए अगर कंटिन्यूटी नहीं होती है तो एट द एंड ऑफ द डे उसका इंपैक्ट आपकी इकॉनमी के ऊपर आया डॉक्टर साहब ये पॉलिटिकल आप उसकी जो बात करते हैं अभी तक 80 81 उससे जो है ना वो क्रॉस कर गया था हजार से स्टॉक एक्सचेंज ये अभी थोड़ा सारा एक आया थोड़ी सी वो आ गए तो फिर दस उसके जो है ना तकरीबन कोई दस हजार पॉइंट ओब्वियसली देखें नीचे आपकी इन्वेस्टमेंट वो लिंक्ड होती है डायरेक्टली आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इन्वेस्टर उस वक्त इन्वेस्ट करेगा वो देखेगा कि जब आपके कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है अगर नहीं होगी तो वो नहीं करेगा अच्छा उसके अलावा जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं पर्टिकुलरली जो जो आपकी जो है फिजिकल पॉलिसी है एफबीआर को लेके अब देखें आप अगर ओवरऑल आप देखें ना इस मुल्क में अलमिया ये रहा है कि बहुत कम लोग टैक्स देते हैं ठीक है ओवरऑल आपके पास कोई, कोई चौबीस करोड़ आपकी आबादी है लेकिन चालीस लाख लोग जो है वो टैक्स देते और उसको आप एक्सपेंड नहीं कर रहे उसी उन्हीं अब क्या हुआ है इस इस साल कि उन्हीं चालीस लोगों को का टैक्स रेट आपने बढ़ा दिया रादर जो है आपने टैक्स नेट को बढ़ाने के बजाय उनको उनके ऊपर अपने बर्डन डाल दिया तो जो है बिहार को डिफरेंट जो एवेन्यूज़ है हैं Score, uh, कम करने के लिए तो हाँ, काफी चीजें की हाँ पचास लोग जो बड़े बड़े जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था उनको रिप्लेस तो किया जी उसमें फिर ये है कि आपने देखे कुछ आपके सेक्टर, सेक्टर्स हैं जिसपे कोई टैक्स नहीं है उनको इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपकी जो जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इंक्रीज हो Uh, जिस तरह दोस्तैन साहब ने बात की कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो पाकिस्तान का जब से हम आज़ाद हुए हैं ये मसला हमारा चला आ रहा है क्योंकि हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट्स हमारे कम होते हैं हम अपनी इकॉनॉमी के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं अब मैं पर्टिकुलरली नैटेक को लेकर एक बात करूँगा कि हम आजकल जो है एक तो मिनरल्स uh, और माइनिंग के ऊपर बड़ा फोकस है उसका जो कंट्रीब्यूशन है कोई पॉइंट फाइव या सिक्स परसेंट है जी uh, में हालांकि उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू या बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं अगर आप उस जो है सेक्टर में पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें हमने हमने जो है अभी इंटरवेंशन किए हम चाह रहे हैं कि उसको इंक्रीज करें और इसके अलावा जो आपका जो कोस्टल बेल्ट है फिशरीज की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को लेके वो भी ना होने के बराबर है उसमें भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है तो इस तरह बहुत सारे एरियाज हैं हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है लेकिन हमें उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करके हमारे जो जितने भी मसाइल हैं ना बार बार हम आई एम एफ के पास जाते हैं और बार बार हम उनसे बेल आउट पैकेज लेते हैं आ, मेरी स्टडी थी एम एस का थीसिस का उसका जब कंक्लूजन ये था कि आपके शॉर्ट टर्म में तो आपको हेल्प देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आई एम एफ के लोन्स कभी आपको हेल्प सपोर्ट नहीं करते तो आपने विद इन अपनी इकॉनॉमी कर्ज तो तो देखो आपको टाइमली सपोर्ट करता है कोई भी कर्ज आप जो है यहाँ किसी साहूकार से भी ले लें लेकिन लॉन्ग टर्म में लेकिन अगर आप अपने जो ना बिजनेस के साथ मुखलिस हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहीं से जाकर कर्ज लेकर आते हैं आप ग्रो करेंगे लेकिन अब अपने बिजनेस के साथ मुखलिश नहीं है कोई लॉन्ग टर्म आपके विजन नहीं है आपने सही तरीके से अपने बिजनेस की सिलेक्शन नहीं की है तो आप बेशक दस गुना जो है ना कर्ज ले दें कुछ नहीं वो वो बिल्कुल होता रहे जी तो इसमें जो है इसमें जो है कर्ज लेके हमने रिफॉर्म्स लानी है विद इन इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि वो कर्ज हम इसलिए ले रहे हैं कि अपना जो प्रीवियस कर्ज है उसको हम पे करें अब उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इकोनॉमी के ऊपर तो आपके पास बहुत पोटेंशियल है वो तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और हाँ. तो रजम है हमारा आखिरी होगा जी डेफिनेटली अल्लाह करे कि आखिरी हो हम तो ये उम्मीद करते हैं क्योंकि कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं होती है आपका माशाला बहुत बड़ी इकॉनॉमी है और वो इकॉनॉमी में ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे सकते हैं तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट की एक एक मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दैट रिक्वायर्स दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए तो वो जो है अगर ये कंटिन्यू रहेगी तो ऑब्वियसली आप चेंज देखेंगे विद इन वन ईयर एंड टू कि आपकी चीज़ें जो है बेहतर होती जाएगी अब देखें इन्फ्लेशन का भी बहुत बड़ा रोल है कि लोग महंगाई की वजह से चीख रहे हैं चीज़ें महंगी हो गई हैं उनकी दसरथ से बाहर हो गई हैं तो जब तक आपके जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर नहीं होंगे ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी और ये सारी आपकी मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी आपकी जो टैक्स कलेक्शन आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड चीजें हैं इंपोर्ट की वाली बात सर ने की आपकी लोकल जो प्रोडक्शन है वो उसके ऊपर इंपैक्ट कर रही है डायरेक्टली क्योंकि आप बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं लोकली प्रोड्यूस करते हैं या वो असेंबलिंग में यूज होती है अगर आप डायरेक्ट उसको बैन करेंगे कि आपकी जो एक जो लोकल प्रोडक्शन है या लोकल आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो बैठ जाएगी तो उसका एक इन्वर्स इफेक्ट है रादर आप उसको उधर तो उसको कंट्रोल करेंगे इधर आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी आपके जो जी है उसका ऊपर डायरेक्टली उसका इंपैक्ट आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और हर एक भी है उसका एक मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर डॉक्टर साहब ने बात की कि देखें देखें है अगर चीजों को देखें, उनकी बात बिल्कुल वजह है लेकिन ग्राउंड कि इलेक्शन से पहले तक कोई तैयार नहीं था कि इस इकोनॉमी को इस मुल्क को इसकी इस कमजोर इकॉनॉमी को देखते हुए गवर्नमेंट भी बनाए लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग आगे बढ़े और मुस्लिम लीग ने हुकूमत बनाई जो मेजर्स ले रहे हैं ये दो साल का नहीं है ये दस साल का नहीं है चीज़ें बड़ी खराब होती हैं, आई हैं और सारी कुछ लेकिन गवर्नमेंट अपने तौर पर जो जैसे एफ बी आर का उन्होंने जिक्र किया एफ बी आर का भी उन्होंने कोई कोशिश की कोई हार्ड डिसीजन भी लिए एकदम से इंपोर्ट पर उन्होंने थोड़ा सारा वो किया लेकिन आगे चलकर वो कहते भी हैं कि इंडस्ट्रीज़ को हम बिजली भी उन्होंने शायद रेट भी उसका रिवाइज किया और एक्सपोर्टर्स को इनकेज करेंगे जी हाँ जिस तरह दुस्तैम दीनी साहब ने कहा इस वक्त जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हिस्टोरिकली मतलब वन डिकेट में कम है इसका एक कास्ट हम अदा करें जी डी पी ग्रोथ की शक्ल में क्योंकि हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है वो मेजॉरिटी ऑफ जो उनका इनपुट है वो इम्पोर्ट करते हैं तो लेकिन जो गवर्नमेंट ने इस वक्त मिड टर्म प्लान इनाउंस किया है उसका एक पर्पस ये है कि इस चीज़ को हम किस तरह रिकवर करें कि हमारा इम्पोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा इसार न रहे क्योंकि हमारे पास जाहिर है आई एम एफ के पास हम इसी वजह से जाते हैं कि हमारे पास डॉलर की शार्टेज है और अगर हमारा करंट अकाउंट डिपिसिट इस तरह बढ़ता रहा तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है इकॉनमी को तो गवर्नमेंट इस वजह से भी कोशिश हैं कि हमारी एक तो जो टैक्स कलेक्शन है वो कम है टैक्स नेट का हमारा कम है लेकिन उसमें हमारे पास बहुत से टैक्स नेट इस वजह से भी पैसे हम कलेक्ट नहीं कर पाते कि हमारे एफ बी आर प्रॉपरली पहले डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था तो अभी गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि डिजिटल डिजिटलाइजेशन का के और उसको के आप 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 तो तो एक रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हो जाएगी एक देखो इकोनॉमी बहुत एक कंजम्पन और प्रोडक्शन के एक कॉम्प्लेक्स कंबिनेशन का होता है तो ये एक्टिविटीज़ होती है तो इस एक्टिविटीज़ को जो हमारा पुराना मॉडल है एफ का उससे रेवेन्यू कलेक्शन तरीके से पॉसिबल नहीं है जो हम करना चाहते हमें बीआर को भी डिजिटलाइज करना होगा और उससे एक, एक एक ये बात है कि स्मगलिंग भी शायद कम हो जाए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी चीजें अब अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है और ईरान चीज़ें उस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पाता तो पाकिस्तान उसके लिए एक, एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग यहाँ चीज़ें स्मगल करें और वो यहाँ तक बलूचिस्तान तक या के की कुछ तक लिमिटेड नहीं रहती वो लाहौर तक जाती है तो हमारी लोकल इंडस्ट्री उससे इफेक्ट हो रही है तो अगर हम ये जो हमारा मिड टर्म प्लान है इनके हम इंडिकेटर देखें उसका पर्पस भी यही है कि हम जी ग्रोथ को मतलब थ्री से लेके टू में हम इसको पॉइंट पांचारिया पांच परसेंट पर ले जाए और दूसरा पर्पस ये है कि हम इंपोर्ट को जो हम चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका कोई सब्सिट्यूट हमारे लोकल इंडस्ट्री बनाए कि हमारे पास इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन हो और दूसरा उसका जो इम्पेसाइज है ये है कि एक्सपोर्ट किसी तरीके से बढ़ जाए तो इ, इ, ब, हमारी इकॉनमी की इस वक्त मल्टीपल प्रॉब्लम है और इस मल्टीपल प्रॉब्लम को हमें मल्टीपल सलूशन से एड्रेस करना होगा ये पॉसिबल नहीं है नहीं है कि हम या तो हम के करंट अकाउंट डिपिसिट इस वक्त तो बेहतर है लास्ट थर्टीन ईयर में तो ये अन्प्लॉयमेंट ज्यादा है मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा है और सबसे इसका बेहतर तरीका है कि हमें जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है या हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ाना होगी क्योंकि इकानमी कोई भी इकानमी हो दुनिया की अगर हम हिस्टरिकली भी देखें वो इस तरह दूसरे ममालिक वो बेस करती है लेकिन इस तरह नहीं कि आप हर चीज़ इम्पोर्ट करो और हम आपकी वेदन इकानी कोई क्शन ना हो तो हमें इन चीज़ों को सीरियस तरीके से देखना होगा और पाकिस्तान की एक इकनॉमिक प्लानिंग की एक रिच हिस्ट्री रही है और जिस तरह हुसैन बख्श मख्सी साहब ने कहा वो जो अगर हमारी जो सात आठ इकनॉमिक प्लान है उसमें से जो दो सक्सेसफुल रही है जो सिक्सटी का हमारा गोल्डन एयर रहता सेकेंड फाइव ईयर प्लान हमारा सक्सेसफुल रहा और बाकी अगर सक्सेसफुल नहीं रहे किसी हद तक उसमें पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं डॉक्टर महमूद खालिद साहब अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपने वक्त निकाला डॉक्टर साहब ये एक जो इस एक मिड टर्म जो स्ट्रेटेजी प्लान है और पेपर्स जो आया है इसको आप किस तरह देखते हैं कि एक उम्मीद एक उम्मीद ही है किस तरह चीजें बढ़ेंगी इस तरह ग्रोथ होगी इस तरह जो है चीजें बेहतर होंगी और हमारी इकोनॉमी एकौन, एकौन, जो है वो बहुत राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है कैसे इसको आप आप किस तरह व्यू करते हैं सर uh, नॉर्मली जो गवर्नमेंट का फिजिकल लेआउट होता है वो तीन साल पर ही होता है ये कहलाता है मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क और इसका मकसद यही होता है कि एक आप बजाय इसके कि हर साल एडहॉक बेसिस के ऊपर आप अपने टारगेट्स को सेट करें एक इकोनॉमी में सिग्नल दिया जाता है कि हम आज से तीन साल के बाद अपने आप को कहां देखते हैं तो जहां तक इसका जो ब्रेकअप है जिस तरीके से टैक्सेस के हवाले से इस साल भी बहुत एम्बिशियस टारगेट है तकरीबन कोई तेरह ट्रिलियन के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे साथ ही साथ उन्होंने जब तीन साल का अपना परस्पेक्टिव विजन दिया है तो उसमें इसको बढ़ाते हुए तकरीबन वो नाइनटीन ट्रिलियन के ऊपर ले गए दूसरी साइड पे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी जो इजाफा है वो उन्होंने कम किया है तो ये गवर्नमेंट की ओवरऑल स्ट्रेटजी को शो करता है कि आने वाले वक्त में हमें ये देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट अपना जो फुटप्रिंट है जिसमें जो मुख्तफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो कट बैक करेंगे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस होगा कि जिससे जो हमारे लॉस मेकिंग एस ओईज हैं उनको अपलोड किया जाएगा जिस तरह पी कि का का अमल जारी है इसी तरीके से हमारे जो और एस ओईज हैं उनके हवाले से भी बहुत परस्पेक्टिव प्लानिंग हो रही है तो ऑन पेपर्स तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अब लेकिन जिस तरह मेरे यहाँ पे जो कुलीग बैठे हुए उन्होंने पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की इन तमाम पॉलिसीज को आगे लेके जाने के लिए एक पूरे मुल्क में एक साजगार माहौल चाहिए पॉलिटिक्स भी जरूरी है लेकिन जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो इस वक्त हमारा ज्यादा जरूरी है और उसके बगैर हम लोग जो है वो इस स्पायरल से नहीं निकल सकेंगे कि जिसमें हमारी इन्फ्लेशन भी है और हमारी जो तरक्की है ग्रोथ बेसिकली वो उस तरीके से नहीं हो पा रही तो हम ये समझते हैं कि बहुत एम्बिशस टारगेट है और उसके लिए जो फंडामेंटल्स हैं उनका ठीक होना बहुत जरूरी है कि जिनके अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे पहले डॉक्टर साहब वैसे प्राइम मिनिस्टर खुद भी कहते आए हैं जो रेवेन्यू टारगेट जो इस दफा बजट में सेट किए हैं उन्होंने वो खुद भी कहते हैं कि बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है जो मेजर्स हम उठा रहे हैं जिस जो इकदाम ले जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि ये हम डूएल हैं और हम इसको अचीव करेंगे देखें आ, अभी मैं फिर इस चीज से कायल हूं कि जो भी लीडरशिप होती है उसका काम होता है विजन देना और उसको अमल दरामद करने के लिए नीचे आपकी जो प्रोफेशनल टीम्स हैं वो अपना वर्क प्लान बनाती हैं एफ के हवाले से अभी काफी सीरियस सी हैं वो एफर्ट्स करने की जरूरत है जैसे मैं मिसाल के तौर पे बताऊं कि हमारा जो माली साल 22 तेईस था उसमें तकरीबन कोई तीन शारिया नौ ट्रिलियन के करीब हमने एग्जामेशन दी हैं तो ये वो टैक्स का पैसा है कि जिसको हम कलेक्ट कर सकते थे लेकिन गवर्नमेंट ने ओवर टाइम इसको जो मुख्तफ बिजनेसेज हैं या मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मद में छोड़ा हुआ है तो हमें अपनी ओवरऑल एस पी आर की टैक्स पॉलिसी को इंप्रूव करने की जरूरत है लेकिन जो लीडरशिप होती है उसका काम होता है कि एक डायरेक्शन ले अब उसको अमल दरामद पहुंचाने के लिए नीचे उनकी प्रोफेशनल टीम है हम उसने स्टेप्स लेने जिसमें डिजिटाइजेशन सबसे पहले है उसके बाद फिर जो हमारी एक एफ के, के हवाले से बिजनेसेस के बहुत बड़े कंसर्न्स हैं कि हमारा जो एक इंस्पेक्टर है टैक्स का वो बेसिकली बिजनेसेस के लिए थ्रेट है हालांकि उसको एक सरकारी नुमाइंदे के तौर पर एक फैसिलिटेटिव है वो रोल के अंदर होना चाहिए तो चीजें अचीवेबल हैं लेकिन उसके लिए दो चीजों की जरूरत है कि एक तो डिटर्मिनेशन कि हम इसको वाकई ही अचीव कर लेंगे और दूसरा उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है कि जिसके अंदर ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपना रोल और अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करने की जरूरत तो है और एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है जिसके लिए हम समझते हैं कि अभी एस में काफी काम की जरूरत है डॉक्टर साहब औरंगजेब खान जो वजीर खजाना है उनका भी हाल में एक इंटरव्यू छपा है ज्यादातर उनका अगेन फोकस कहते हैं हमारा फोकस है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वहां से इन्वेस्टमेंट आए और उसके लिए उन्होंने कहा भी है रेकोदेक में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के जो वो हैं फाइनेंशियल आम है वो आ, कोई आ, उनका अदारा है वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और है। इसके अलावा सऊदी शो कर रहे हैं इंटरेस्ट शो कर रहे हैं यू का काफी उन्होंने जो है हमें प्रॉमिस किया है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो मुख्तलिफ उसमें वो करेंगे मुख्तलिफ सेटर्स में तो कितने पर उम्मीद आप हैं एज ए इकोनॉमिस्ट देखें एफ जो मिनरल और इससे रिलेटेड सेक्टर्स में है अनफॉर्चुनेटली ये एक वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है देखें जो भी आपके प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं वो इकॉनमी को जब तक नहीं टच बेस करेंगे तो ये हमारी इकॉनमी के अंदर स्पेंड नहीं लेके आ सकते अगर अभी हमारे पास रेकोटेक और इस तरह के मनसूबों में इन्वेस्टमेंट आ भी जाती है तो ये वक्ती तौर पर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और इस तरह का क्राइसिस तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमें एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि जिसके अंदर हमारे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम शोभाजात हैं जैसे मिसाल के तौर पर हमारी डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है या इस तरह के और जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं हमें उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट चाहिए और यही है कि जो लॉन्ग टर्म में फायदा देंगे लेकिन एज अ स्टार्टअप दिस इज अ गुड साइन कि हमारे पास इस तरह की कमिटमेंट्स मौजूद हैं और होपफुली जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारी इकॉनमी के अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना शुरू हो जाएगा थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने सुना डॉक्टर साहब की बात जाहिर है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो अभी बात कर रहे थे अगर पॉलिटिकल जो हमेशा से रहा है और वही इकोनॉमी एक, है तो ये तमाम पॉलिटिक्स भी है जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा पार्लियामेंट भी है इलेक्शन भी हैं सारा कुछ है अगर इकोनॉमी आपकी नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हुकूमत को जो पाँच साल के लिए अगर आई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे होना चाहिए कि इकोनॉमी के लिए जो एक मेजर्स उठाए जा रहे हैं क्रिटिसाइज जरूर करें जिस तरह आपका आपका अपना व्यू है उनका अपना व्यू है कि उसकी बेहतरी के लिए लेकिन हर्डल्स क्रिएट करना या उसके बाद फिर वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी डर जाएँ कि नहीं नहीं भाई इधर किधर आ पाए हैं देखिए रहे बीग सिविल सर्वेंट मैं अपना जब पीछे मुड़ के देखता हूँ थर्टी फोर का मेरा एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस है जो ना ये गवर्नेंस के जो ना कॉरोर्ज में हम रहे हैं uh, बजट भी बनाते रहे हैं इकोनॉमी चीज़ों को जरा करीब से भी जो ना उनको देखते रहे हैं पब्लिक सर्विस भी देते रहे हैं लोगों की हालत को भी बड़े करीब से देखा है हमने इस वक्त मुल्क एक बहुत ही वो तो कहते आ रहे हैं शुरू से कि नाजुक दौर से गुजर है लेकिन उस नाजुक का इंतहा हो गया है अभी आप इस मतलब अभी जब हम कंपेयर करते हैं अपनी जिंदगी के चालीस साल पहले को पैंतालीस साल के पहले को हम हैरान है कि कैसे हम जो ना सस्टेन कर रहे हैं अभी ठीक है ना तो इस चीज इस इस की रियलाइजेशन सबको होनी चाहिए कोई भी कौम बगैर किसी अच्छे इकोनॉमिक फाउंडेशन के बगैर वो नहीं चल सकता बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि आइडियालॉजीज की बेसफिस्ट बनी ठीक है ना लेकिन उनको आइडियालॉजी ने उनको मजबूत नहीं किया बहुत सारे जो ना कंट्रीज हैं जो कि पॉलिटिकल अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम के बेस पे जो ना मजबूत हुई लेकिन फिर भी उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का सहारा लेना पड़ा लेकिन ना अब आपने पहले कहा कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट और जो है ना आप स्टॉक एक्सचेंज तो मैं सिर्फ आप एक चीज़ आपको कहूँ दीज आर कॉस्मेटिक थिंग्स ये तो ऐसे है कि जो है ना मतलब एक बिलो एवरेज सूरत को आप खूबसूरत रंग दे दें जब वो रंग कट जाएगा ना वो पीछे की जो ना उसकी जो फाइननेस है उसका बाद में पता चलेगा तो इकोनॉमी भी इसी तरह से इस वक्त इकोनॉमी की जो जो आदमी को टेरराइज करने वाली चीज़ें हैं उनकी तरफ जब कोई एक इकोनॉमिस्ट या कोई एक जो है ना गवर्नेंस को चलाने वाला शख्स एक थोड़ी बहुत सूझबूझ रखने वाला शख्स वो बहुत ही टेरराइज हो जाता है ठीक है ना मैं आपको एक बताऊं अब आप सिर्फ एक चीज़ को देखें पाकिस्तान का आपका जो डेट टू जीडीपी रेशो है हालांकि हमारे पास बहुत पहले गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था और वो था जो है ना लोन लेने के लिए रिस्ट्रिक्शन का कि आप 60 परसेंट ऑफ जीडीपी से ज्यादा लोन नहीं लेंगे आपको पता है इस वक्त हम कहां खड़े हुए हैं इस वक्त हमारी जो टोटल वर्थ है मुल्क की जो टोटल वैल्यू है जिसको हम जीडीपी कहते हैं अस्सी फीसद है जब आपका कोई बिजनेस हो दुकान हो जिस पे आपको आपने कर्ज पे जो है ना आपने दुकान की मिसाल दी थी इसीलिए मैं वहीं से लेता हूँ आपने दुकान बना दी और दुकान का आपका अस्सी फीसद जो माल पड़ा हुआ है उसका जो ना पूरा स्ट्रक्चर है वो गिरवी है कहीं पे तो आपकी आपका बिजनेस कहाँ से चलेगा ये देखिए ना ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको जितने भी लोग हैं चाहे हमारी बेरोक्रेसी है चाहे हमारी जुडिशरी है चाहे हमारे जो ना पोलिटिकल लोग हैं चाहे हमारे इकोनॉमिस्ट हैं बाकी थिंकर्स हैं समझने वाले लोग हैं इन सबको जो ना एक पॉइंट के ऊपर जो ना सोचना पड़ेगा अगली बात मैं आपको बताऊं देखिए ना दुनिया में इस वक्त जो बेस्ट इंडिकेटर्स हैं आईने हैं मुल्कों की इकोनॉमी का आईना दिखाने वाले हैं वो तीन इदारे हैं अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई आपकी फिच की जी फिच की आई ठीक है ना इसी तरह से मूडीज का है मूडीज के से पहले भी रिपोर्ट है ना जी और फिर आपका जो है ना स्टैंडर्डर है जी स्टैंडर्ड ये दुनिया की तीन बेस्ट है बेस्ट और आप इनकी जाकर जो ना सिर्फ जो रैंकिंग है रैंकिंग में अपने मुल्क को देखें तो आपको परेशानी हो जाएगी कम हम कहाँ करें फिर हम जो इल्जाम लगाते हैं कि ये दो चार बंदे हैं इस्लामाबाद में वो बैठकर ये रिपोर्टिंग करते हैं भाई वो दो चार बंदे नहीं हैं सारी दुनिया का इन्वेस्टर पहले इनकी किताब को खोलता है कि जिस मुल्क में मैं जा रहा हूं उस मुल्क की हाल क्या है और हम खुश हो जाते हैं कि हमारे पास चाइनीज आ रहे हैं हम खुश हो जाते हैं कि रेत रेकोदिक के अंदर फ़लाना आ रहा है अभी आपने बात की जो ना आईएफसी की वर्ल्ड बैंक का जो रहा है इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ठीक है ना ये अब ये ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ये कर्जा देगा जनाब ये कर्जा देगा आपके रेकोदिक आर डी एम सी को कि वो ये कर्जा लेकर जाकर माइनिंग कराए डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है उन्होंने कहा कि जो ना ये ठीक है ये शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा जो है ना एक रिलीफ दे देगा कि एफ हमारे पास आ गया लेकिन ये माइनिंग अंडरटेकिंग उस वक्त बिल्कुल ही जो ना आपकी इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती कि रॉ मटेरियल निकाल के जो ब्लास्टर कापर कापर है वो यहीं पे आकर रिफाइन होता और यहीं से जो ना इसके प्रोडक्ट बन के जाते तो फिर आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती चाहे उसके लिए एक आई आई एफ नहीं दस आई से लोन लेकर आओ लेकिन आपने लोन लेकर आए और आपने यहीं पर न सिर्फ है माइनिंग भी की बल्कि रिफाइन करके इसके प्रोडक्ट भी बनाए पूरी इंडस्ट्री बना दी इंडस्ट्रियल चेन पूरा बनाकर रख दिया तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी इससे बुरी कोई और चीज नहीं है आप इस इस तरह के फील्ड में ले लेकिन ना डॉक्टर साहब ने बात की खेल के जो है ना उसमें प्रोडक्ट में या जो है ना बाकी आपके सर्जरी केस में ठीक है ना दुनिया की इकोनॉमी बहुत आगे निकल गई इन चीजों से बहुत आगे निकल गई है अब दुनिया आपके जो है ना वो जो फुटबॉल बना के बेचते थे याकी बना के बेचते थे या बैट बना के बेचते थे उससे बहुत आगे निकल गई है दे डोंट नीड सच थिंग्स अभी हम अगर हम अब अभ, भी हमारे जहन में ये कि सियालकोट ने आ, आ, की इंडस्ट्री ने और साथ साथ में जो है ना वजीराबाद की इंडस्ट्री ने पूरे पाकिस्तान को सहारा देना है तो वो जो है ना ठीक है छोटे छोटे मामला में तो देगा लेकिन जो है ना ये जो पाकिस्तान को मैंने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत इसकी जो सिचुएशन है वो टेरीफाइंग सिचुएशन है उसकी और इसमें जब तक आप कोई बहुत बड़ा इन चीज बड़ी चीज इंजेक्ट नहीं करेंगे बहुत बड़ा जो है ना डिसीजन नहीं लेंगे दोबारा से रिवाइवल आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मैं आपको बताऊं ना अभी आपने बात की कि ये मौजूदा गवर्नमेंट ने ये तीन साल का ये प्लान दिया ये हर साल देते हैं ये कोई नई बात नहीं है दो से हर साल जब बजट आता है बजट के जो ना कुछ अरसे के बाद तीन ईयर का रोलिंग प्लान लेकिन यही है ना कि आजकल के हालात मैं बताता हूं मैं जो पिछले साल का था पिछले साल के जो ना जो टारगेट सेट किए थे फर्ज करें जो इकोनॉमिक ग्रोथ का था वो पिछले साल टारगेट सेट किया था मतलब 2022-23 में जब किया था उसके लिए 23-24 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट सेट किया था 3.5 पॉइंट फाइव यू नो वट वॉज द एक्चुअल पॉइंट था माइनस में था लेकिन तो, हालात क्या थे थी ठीक है ना और इसी तरह से 24-25 के लिए 5 परसेंट जो है ना ग्रोथ रखी इस, इस दफा जो है ना इसमें बजट में जो डिटर्मेंट किया थ्री पॉइंट सिक्स रखा अच्छा इसी तरह से आप जो है ना इन्फ्लेशन पे चले जाए इन्फ्लेशन का उन्होंने 22 23, 23 में 21 परसेंट रखा जो कि 37 परसेंट पे जाकर क्लोज हुआ तो देखिए ना यहां पे बैठकर आप पेपर पे मैं यही कह रहा हूं ना कि ये ये जो इस तरह के हैं ये दीज आर वर्ल्ड बैंक डिजाइंस ये जो तीन साल के मनसूबे ये हम अमनी बनाते दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड अदर डोनर है मैं, मैं आता हूं उसकी, उसकी तरफ मक्सी साहब की तरफ जो बात इनकी है बिल्कुल ठीक है इस वक्त हमारे पास जो है चीजें इस तरह से हैं लेकिन मुझे बताएं कि क्या एक ऐसा मुल्क जिसमें 2022 में पोलिटिकल क्राइसिस ठीक था अपने थी और वाकई ये बात इनकी दुरुस्त है कि जब ये चीज़ें होंगी अपना पैसा कौन आएगा लगाने के लिए लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई और आज छोटे मोटे इंडिकेटर्स हैं वो और फिर एक और बात भी है मक्सी साहब कोई क्या ये कोई बिजली का सोचा है कि हम उसको अगर कहें दो साल में ठीक हो जाएगा तीन साल प्लान सारी हुकूमतें देती हैं लेकिन जब क्राइसिस आ जाए तो उसमें फिर सब उनसे बाहर होता है आखिर चीजों को दुरुस्त तो करना है देखिए उसमें देखिए हर गवर्नमेंट की कोई ना कोई चीज अच्छी होती है ठीक है अच्छा जो भी हो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने कोई तो अच्छा काम किया होगा ना सारे बुरे तो काम नहीं होते हमारा ये है कि हम जो है जब खुद आते हैं इकतदार में तो हम जो प्रीवियस गवर्नमेंट है रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस हम वो सारी चीजें खत्म करके फिर से नई चीजें बनाते हैं आप देखेंटेंसी है कोई ना कोई चीज तो उनकी अच्छी होगी ना जिसको आप लेके आगे बढ़ सकते हम वो नहीं ले जाते आगे हम उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं हम अपनी तरफ से नई चीजें बनाते आप देखें ना इंडिया की एग्जाम्पल है हमारा पड़ोसी मुल्क है कांग्रेस और जो बीजेपी में जो है शरीद इख्तलाफ हुए लेकिन मनमोहन की पॉलिसीज को जो है नरेंद्र मोदी ने कंटिन्यू किया ना ये चीजें होती हैं जो आपकी इकॉनमी में बेहतरी लाती है एक चीज दूसरा आपकी इकॉनमी में वैल्यू एडिशन कहीं पे नहीं हो रही ठीक है एग्रीकल्चर को सेक्टर को देखें एग्री बेस्ड इकॉनमी है आप देखें पर एकड़ जो यील्ड है हमारा वी आर लोएस्ट इन दार्क ठीक है आ, मतलब और उसको अगर आप कंपेरिजन करें हम कहीं पे कोई मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स एडॉप्ट नहीं किए हैं हमने हमने जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस नहीं किए कहीं पे कोई एडॉप्टेशन कुछ भी नहीं हो रही है वो टिपिकल चीज़ें हैं कोई वैल्यूडेशन नहीं है उसकी वजह से देखें आपकी जी कैसे ग्रो करेगी जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उसमें जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगी आपके पास अच्छी खासी रिसोर्सेज हैं जिसमें आप वैल्यू एडिशन नहीं करें आपके पास मार्बल है आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप वैल्यू एडिशन करके उसमें फर्दर चीज़ें ऐड करके आप बेच सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आप एग्जाम्पल ले लें ठीक है बहुत बड़ी कभी आ, पाकिस्तान जो है टॉप होता था टॉप होता था हमने कोई वैल्यू एडिशन नहीं की हम वही बना रहे हैं ठीक है थ्रू स्पिनिंग प्रोसेस उसको हम बाहर बेचते हैं वहाँ से चीज़ें बनती है छी होकर फिर आके आपकी छोटी सी एग्जांपल है आप देखें आपके पास बड़े अच्छे खजूर प्रोड्यूस होते हैं अभी जाके थोड़ी कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं मकरान बेल्ट में कि वहाँ पे जो है वो स्टोरेज बना है और चीज़ें पहले तो ये होता था कि यहाँ से जा, जाती थी ईरान उसी खजूर को वो प्रोसेस करके पैक वाँगे, करके वापस पैक करके।, करके आ जाते थे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है और बहुत ज़्यादा पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी की जरूरत है कि आपने जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन वो वो फैक्टर्स और वो वो आपकी इंडस्ट्री जो आप आ, को जो है जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है आपने वो आपने जो है उनको आइडेंटिफाई करना होगा और उनमें आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी होगी ठीक है सिर्फ और सिर्फ आप एफ को लेके या एफ में जो है रिफॉर्म्स ला के आप अपनी इकॉनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते हैं उसका एक जो है बहुत बड़ा जिस तरह डॉक्टर खालिद खान ने कहा कि इट्स अ कंप्लेक्स सिचुएशन जिसमें कंजप्शन वे है जिसमें प्रोडक्शन वे है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी इकॉनॉमी के साथ लिंक्ड होती हैं और इकॉनॉमी में उनकी जो जरूरी है आपकी प्रोडक्शन भी जरूरी है आपकी कंजप्शन भी जरूरी उसके साथ साथ आपकी इनकम भी होनी चाहिए जो जो है आपकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज करे ताकि विद इन जो आपकी इकॉनॉमी में जो भी चीजें हैं वो प्रोड्यूस हो सके तो ये सारी चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वैल्यूडेशन के ऊपर काम करना है जो भी आपके जो भी आपके सेक्टर्स हैं उसमें अगर आप जब तक वैल्यूडेशन नहीं करेंगे आप अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकेंगे एक बात दूसरी बात जब तक आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका मामला कभी सेटल नहीं होगा और ये चलता रहेगा जिस तरह जो है पहले से चला आ रहा है डॉक्टर साहब एक तरफ तो दोस्तान जमालदनी साहब ये कहते हैं वाकई उनकी बात अपनी जगह लेकिन हालात को देखते हुए तो इसको छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी एफर्ट्स भी जो हैं वो एक इनकरेजिंग साइन बनता है आपके लिए खासकर लोकल इन्वेस्टर के लिए नेशनल इन्वेस्टर के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए कि जब चीज़ें वो होती हैं दहशतगर्दी अपनी जगह एक जो उससे नबरदाजमा हैकूमत चाहे आपका खैबर पख्तनख्वाब बलुचिस्तान और दूसरे इलाकों में वो अपने तौर पर हैं एक वाक जैसे बशाम का मैंने जिक्र किया एक आता है तो न सिर्फ चाइनीज को बल्कि दूसरे जो फॉरन इन्वेस्टर हैं उसको भी रोक देता है कि भाई ये तो बड़ा डेंजरस प्लेस है और उसको वो नहीं करो उस चीज़ों के लिए अपनी तो गवर्नमेंट अपने तौर पर जो एफ है में एक यकदम तो आप एकदम कुछ नहीं कर सकते हैं कि जी इस पर चला जाना ही है उस पर चला जाना चाहिए हमारी जो पॉलिटिकल हालात हैं गवर्नेंस हमारा कहां है उसके लिए गवर्नमेंट अपने तौर पर जो छोटे छोटे एफर्ट्स है उसको लिए तो आज 2022 को देखें तो लोग कह रहे थे श्रीलंका वाला हाल होगा आज लोग देखते हैं दो हजार के इलेक्शन इलेक्शन के बाद कम अज कम छोटे मोटे साइन इस तरह इंप्रूवमेंट के हैं जरूर है हाँ इकोनॉमी में तो अगर आप इस तरह कंपेयर कर कि टू थाउजेंड दो हज़ार बाईस तक इससे इम्प्रूवमेंट आई है लेकिन इम्प्रूवमेंट आती है बहुत चीज़ों की वजह से जो इस तरह दोस्तें साहब ने आलरेडी जिक्र किया कि जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है वो हम कम करें एज अ कास्ट ऑफ जी डी पी ग्रोथ अब इकोनॉमी एक, में हमें इस किस्म के प्लानिंग और मेकनिज्म की जरूरत है कि हम इसको एक राइट डायरेक्शन पर ले जाए और राइट डायरेक्शन पे हम इसको तब ले जा सकते हैं कि हम बहुत जिस तरह पाकिस्तान में यूथ एक बहुत आ, मतलब यूथ हमारे एक कंपेरेटिव एडवांटेज जो हमें हासिल है इस रीजन में हमारे पास बहुत लेबर फोर्स है।, है अब इन और हमें जो इस वक्त रिलीफ मिलता है वो हमारे पास थर्टी बिलियन रेमिटेंस हर साल आते हैं तो हम इसको ट्रेनिंग करवा के और स्किल दे के इसको और इनसे एक जनरेट कर सकते हैं अब फॉरन एक्सचेंज जो हमें बहुत जरूरत है दूसरा हमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इन पर काम होगा दोस्तें सब सीनियर बेरोट बलूचिस्तान के और मेरे टीचर भी है सब जो तो वो सब पोलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक कंपोनेंट है लेकिन का ये, नहीं। भी का मतलब है। ये नहीं है कि आ, आप इख्तिलाफ ना रखें आपको पूरा राइट अख्तिलाफ खुश हो गया तो वो ब्योक्रेसी भी उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करती है हमें जो ब, 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 बहुत सी अप्रूवल एक अगर एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है इवन लोकल में उनको बहुत सारे अप्रूवल चाहिए तो एक हमारे पास एक ट्रेन ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए और उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो जिस पोस्ट पर बैठा हुआ है उसकी एक्सपर्टी होनी चाहिए अगर आप इवन इंडिया की एग्जाम्पल ले लो सेम जो क्राइसिस था इकनॉमिक नाइनटीन नाइन्टी टू में इंडिया में भी इस किस्म के एक क्राइसिस थी और उसमें उनकी बुरोक्रेसी ने बहुत अहम रोल प्ले किया तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी एक मिनिमम लेवल पे कंसेंसिस होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि हम उसको तो अलग नहीं कर सकते लेकिन उनको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि, कि एक आ, प, किसी जो इनिशिएटिव है एक गवर्नमेंट का उसको आगे उन्हें ले जाना चाहिए मतलब कुछ चीज़ें इस तरह बहुत इकॉनमी में होती है गवर्नमेंट एक किस्म के प्रोजेक्ट लॉन्च करती है और बाद में दूसरे गवर्नमेंट आके उसको बिल्कुल आ, उसका समझो कि उलट कर देती है तो स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी फिर बेरोक्रेसी का सपोर्ट भी जरूरी है और बेरोक्रेसी में यह भी देखना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में बेरोक्रेसी पोलिटिकल प्रेशर को उसको भी कहीं हद तक सस्टेन करना होगा और इस वजह से हमें आ, जो हमारी लोकल जहाँ पे जिस तरह साहब ने कहा कि हमें डाइवर्सीफाइड करना पड़ेगा अपनी इकॉनमी को मतलब वो एक टेक्सटाइल पे एग्रीकल्चर पे उस पर हमें नहीं रहना चाहिए और इस तरह हमें एक्सपोर्ट को भी डाइवर्सीफाई इस वक्त अब दुनिया की जितनी भी अच्छे देखो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुए हैं उसमें बहुत से जो नए नए स्किल की तरफ उनका रुझान ज्यादा है तो हमें इकोनॉमी को इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन हमें बहुत से और स्किल अपने यूथ को देने होंगे और हर तरफ से हमें कुछ ना कुछ एफर्ट करना होगा मतलब एक डायमेंशन में काम नहीं करना होगा और तब्दीली भी, भी इसी तरह आएगी कि हम छोटे छोटे एकदम चेंज इतना बड़ा चेंज आना पॉसिबल नहीं है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, है। इसमें डिकेट भी लग सकते हैं लेकिन ये बात जरूरी है कि कि हम एक राइट right डायरेक्शन पे जाए और कंटिन्यूसली इस तरह के अच्छे और छोटे छोटे स्टेप लेके इकॉनॉमी को स्टेबलाइज करे और जब तक इकॉनमी यह एक साइकिल है अगर इकॉनॉमी स्टेबल नहीं होगी तो पॉलिटिक्स भी स्टेबल नहीं होगा और पॉलिटिक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इकॉनॉमी भी स्टेबल नहीं होगी तो हमें पहले ये सोचना होगा एज अ कौम और जितनी पोलिटिकल पार्टी है कि जो हम प्रॉपिगंड बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इशू पे करते हैं उसको थोड़ा मिनिम करना होगा क्योंकि पाकिस्तान में देखो ए, पाकिस्तान में इस वक्त एजुकेशन हार्डली फिफ्टी परसेंट लोगों के अन एजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा है और फिर इकोनॉमिक वो पचास परसेंट जो नाम अपने हाथ से लिखना आ, जानते हैं और फिर जो इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजी है या अंडरस्टैंडिंग है वो सब लोगों को नहीं होती तो जि, जिस तरह हमारे पोलिटिकल लीडर जो बोलते हैं लोग उसी रिसीव करते हैं और फिर उसी आगे तो उससे हमारा लोकल इन्वेस्टर भी डिस्करेज होता है और फॉरेन इन्वेस्टर भी डिस्करेज होता है तो कोई भी इन्वेस्टर देखो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है वो कोई सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता वो उसके पास एक एनिमल स्पिरिट होता है कि भाई मुझे प्रॉफिट के लिए काम करना है तो जब आप इनस्टेबिलिटी हो या बहुत ज्यादा स्टेबल सिचुएशन नहीं हो तो इवन हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी शाई करता है वो इन्वेस्ट नहीं करता और इस वजह से बहुत से लोग जो हमारा ये अपना बिजनेसेज है लैंड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सेफ होते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी फोर्टी से सिक्सटी परसेंट जो आपका रेमिटेंसेज हैं उसमें जो लोग हैं वो इसी आ, रियल इस्टेट में वो बुक करते हैं और उसमें टैक्स के भी कोई कोई उसका नहीं पता चलता दे, 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 लेता कि टैक्स उसका कितना देखो कि थर्टी बिलियन रेमिटेंसेज आते हैं और आधा उसमें रियल इस्टेट में चला जाता है और उस पर वो टैक्स नेट में भी नहीं है तो ये है कि हमें एक प्रोडक्टिव सेक्टर में इन्वेस्ट करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए इनर्जी की जो मसाइल है उसे हल करने चाहिए लेबर जो है उसको स्किल देनी चाहिए और जो हमारी रीजन के साथ और हमें सूट करता है उस किस्म की इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो तब सिचुएशन ग्रेजुअली बेहतर होगी मतलब स्टिप बाय स्टिप होगा एकदम इस तरह इसका ठीक होना मुश्किल है ठीक है बहुत शुक्रिया टाइम बिल्कुल हमारे पास खत्म हो गया साहब आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन बख्श मक्सी आपका शुक्रिया डॉक्टर खालिद खान साहब आपका शुक्रिया डॉक्टर महमूद खालिद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे तो उनका शुक्रिया कोशिश गवर्नमेंट की अपनी एफर्ट्स छोटे छोटे एफर्ट्स उससे कुछ छोटे इंडिकेटर जरूर आ रहे हैं एकदम सा मेरे ख्याल में शायद हमारे तमाम पैनलिस्ट का ये बिल्कुल अपनी जगह के ये हालात हैं लेकिन इस हालात में जो गवर्नमेंट कर रही है वो राइट डायरेक्शन के लिए है और सन्सीर एफर्ट्स उनकी है अल्लाह करे कि मुल्क की इकानमी भी ठीक हो और पोलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अगर पोलिटिकल स्टेबिलिटी है तो फिर हमारी इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी उसी से कायम होगी आने वाले प्रोग्राम तक शहजुल्फार को इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज़